friends, welcome to Study Master. I hope you all are good. Friends, सभी लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए. मैं हूँ आपकी दोस्त प्रीति और आज हम करेंगे कुछ जो है बेसिक फैक्ट्स, जैसे कि आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर, जो कि नैपसा सीरदार का एग्ज़ाम है 26 को होना है, उसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के, वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं. सो फ्रेंड्स, आप सभी जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, फिर अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड, जैसे जैसे आप लोग आते जाएंगे प्लीज़ मुझे मैसेज करते रहिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने बच्चे ऑनलाइन आ चुके हैं और कितने अभी तक नहीं आए हैं. सो फ्रेंड्स, सभी लोग आ जाइए, फिर अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं. हेलो शिल्पा, हेलो जी, हेलो अरमिंदर. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है WTO बेसिकली प्रमोट्स, जो WTO है वो क्या प्रमोट करता है? फाइनेंशियल सपोर्ट, ग्लोबल पीस, यूनिलेटरल ट्रेड, मल्टीलेटरल ट्रेड. जल्दी से आंसर कमेंट. फ्रेंड, जल्दी से कमेंट कीजिए. ABCD आपके पास चार ऑप्शन है, बताइएगा कि WTO बेसिकली क्या प्रमोट करता है. वेरी गुड, जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग. यस, वेरी गुड. चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं. फर्स्ट का जो सही उत्तर है वो है डी, मल्टीलेटरल ट्रेड जो है WTO प्रमोट करता है. WTO की फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इसका कोई स्टूडेंट से मुझे ये बताएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रिप्स ट्रीम्स आर दी टर्म्स एसोसिएटेड विद, जो ट्रिप्स है ट्रीम्स है वो किस से रिलेटेड है टर्म्स, जल्दी से आंसर कीजिए. ट्रिप्स और ट्रीम्स है वो किस से रिलेटेड है, आंसर कीजिए जल्दी से. यस, वेरी गुड साना जी और सतेंद्र जी, जनेवा, राइट. ट्रिप्स और ट्रीम्स है जो वो किस से रिलेटेड है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए. जो ये टर्म्स है वो किस से रिलेटेड है और इनकी फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से आंसर कीजिए. इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है बी, WTO से ये रिलेटेड है. अगर हम इनकी फुल फॉर्म्स की बात करें तो ट्रिप्स की जो फुल फॉर्म है वो है हमारी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है. और ट्रिप्स बात करें इसकी है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है, याद रखिए ये इनकी फुल फॉर्म्स हैं. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग वेयर इज द नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट लोकेटेड, बताएगा कि जो नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की जो एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट की नेशनल अकेडमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, ईटानगर, जल्दी से आंसर कीजिए. वेरी गुड, सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए. थर्ड का, यस, वेरी गुड. चलिए अभी राइट आंसर देख लेते हैं. थर्ड का इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि हैदराबाद के अंदर ये लोकेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एनिमल सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी कि WWF का जो सिंबल है एनिमल सिंबल वो क्या है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो एनिमल सिंबल है वो क्या है, जल्दी से आंसर कीजिए. डॉल्फिन, कंगारू, टाइगर, जेंट पांडा, आंसर कीजिए. वेरी गुड, यस, वेरी गुड. इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारा डी, यानी कि जेंट पांडा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सार्क, इसमें से बताना कि कौन सी कंट्री सार्क की मेंबर नहीं है. बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, म्यांमार, वेरी गुड सतेंद्र जी, वेरी गुड. सभी लोगों अच्छे कमेंट कर रहे हैं, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए.
कि इस इनमें से चार कंट्रीज आपको दे रखी है ऑप्शन के अंदर, इसमें से बताएगा कि कौन सी कंट्री सार्क का पार्ट नहीं है। वेरी गुड, सभी लोग कमेंट कीजिए। यस वेरी गुड, ए बी सी डी आपके पास चार ऑप्शंस है, जो भी आपको सही लगता है जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। ओके फाइन, चलिए आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका जो सही उत्तर है फिफ्थ का वो देख लेते हैं, वो है डी म्यांमार, जो है इसका डी आंसर है, म्यांमार पार्ट नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स, सार्क की फुल फॉर्म बताइएगा कि सार्क की फुल फॉर्म कब क्या है और कब इसकी ऑर्गेनाइजेशन जब फाउंड की गई थी, कब इसकी फाउंडेशन हुई थी, जल्दी से आंसर कीजिए। सार्क कब बना था और इसकी कितनी मेंबर कंट्रीज हैं। यस वेरी गुड, सभी लोग कमेंट कीजिए ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स ये जितनी भी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलने वाला है। सो हम अच्छे से रिवाइज करेंगे। यस चलिए मैं आपको थोड़ा सा सार्क देती हूँ ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। आपकी सार्क की जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, राइट। इसका जो एस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 8 दिसंबर यानी कि 8 दिसंबर 1985 को इसका जो है एस्टेब्लिश किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है। वेरी गुड सतेंद्र जी, और इसके 8 मेंबर है, वो कौन कौन से 8 मेंबर है मैं आपको बता देती हूँ। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, मोटो है, वो है इकोनॉमिक सोशल कल्चर कोऑपरेशन को प्रमोट करना, राइट। इसका मोटो क्या है, इकोनॉमिक सोशल कल्चर कोऑपरेशन को प्रमोट करना, याद रखिए। इसके जो फाउंडेशन हुई थी वो हुई थी 1985 में, और हेडक्वार्टर काठमांडू में है। क्वेश्चन पर चलते हैं, IMF के बारे में बताएगा कि द कैपिटल ऑफ IMF इज मेड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ द, जो IMF की कैपिटल है वो किस प्रकार से जो है अरेंज की जाती है। आंसर कीजिए जल्दी से, IMF की कैपिटल किस प्रकार से अरेंज की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका क्रेडिट डेफिशिएंट फाइनेंसिंग मेंबर नेशन बोरिंग, इसके चार ऑप्शंस हैं। कोई बात नहीं राजेंद्र जी, चलिए आंसर कीजिए जल्दी से आप सभी लोग। अमरिंदर जी आप ऐसा कीजिए, अगर आपके पास शो नहीं हो रहे क्वेश्चन तो आप वीडियो को बंद करके दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट इसका राइट आंसर देख लेते हैं। सिक्स का वो है सी, यानी कि मेंबर नेशंस की जितने भी होते हैं उनकी जो कैपिटल को, उनकी जो पैसा करके जो है IMF की कैपिटल अरेंज की जाती है। IMF की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, आंसर कमेंट कीजिए, IMF की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म बताइएगा जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं IMF की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी जो फुल फॉर्म है, ये कब बना था, ये बना था 1945 के अंदर, इसका Washington DC के अंदर इसका जो है हेडक्वार्टर है, और इसको इसका प्रमोशन, इसका मोटिव क्या है, एम क्या है, इसका मोटिव है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करना, सभी की जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करना इसका मोटिव है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हु वाज द ओनली इंडियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब बताइएगा कि कौन सा इंडिया का इकलौता पर्सन है जो प्रेसिडेंट बना था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। ऑप्शंस है विजय लक्ष्मी पंडित, वीके कृष्ण मेनन, जवाहरलाल नेहरू, नन ऑफ दीज। आंसर कीजिए जल्दी से, भारत का कौन सा ऐसा इकलौता पर्सन है जो कि प्रेसिडेंट बना था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी नाइस, सभी लोग कमेंट कीजिए।
ओके राइट, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन, कि जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है वो कहाँ पर लोकेटेड है, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे। आंसर कीजिए एट्थ का जल्दी से, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे। इसका सही उत्तर है वो है डी यानी कि पुणे। अगला प्रश्न है द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, इसमें से बताएगा कि कौन सी सिटी के अंदर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सिचुएटेड है, मुंबई, न्यू दिल्ली, भोपाल, कोलकाता। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है नाइन्थ का, वो है बी यानी कि न्यू दिल्ली के अंदर जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ऑप्शंस है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, रिड्यूस बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इंटरनल हेल्थ, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स टेंथ का वो देख लीजिए, टेंथ का सही उत्तर है वो है बी रिड्यूस बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, इसका राइट आंसर है बर्थ रेट और डेथ रेट को रिड्यूस करना, ये हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है। अब हमारा जो चल रहा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट चल रहे हैं, पहले हमारे क्या चलते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन थे जो हमने कल भी किए, किसी कंट्री मेंबर नहीं है, आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। इसमें से बताएगा आशियन की कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, साउथ कोरिया। कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, जल्दी से आंसर कीजिए, साउथ कोरिया। इसमें से बताइएगा कि आसियान की कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं, वो है डी साउथ कोरिया जो है आसियान की मेंबर कंट्री नहीं है। इसका जो आसियान की फुल फॉर्म देख लेते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, और अब इसके थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका जो हेड एस्टैब्लिश कब हुआ था, वो हुआ था 8 अगस्त 1967 के अंदर इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। बस आप ईयर याद रखिएगा 1967, और इसका हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में, और इसके जो मेंबर्स है वो 10 मेंबर्स है, इसके टोटल 10 कंट्रीज मेंबर है। अब वो कौन कौन सी कंट्रीज है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ये इसकी 10 मेंबर जो है, ये 10 कंट्रीज इसके मेंबर है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये रीजनल इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल कोऑपरेशन लेकर आना है नॉन कम्युनिस्टिक कंट्रीज के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज है उनके अंदर जो है रीजनल इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल कोऑपरेशन लेकर आना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, जल्दी से आंसर कीजिए, आंसर कीजिए जल्दी से। यस वेरी गुड, सभी लोग कमेंट कीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, जो भी आपको सही लगता है वो जल्दी से कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। चलिए अब देख लेते हैं इसका राइट आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है ट्वेल्थ का वो देख लेते हैं, ट्वेल्थ का सही उत्तर है वो है डी इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, अरेबिक, स्पेनिश। ये इसकी जो है लैंग्वेजेस है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमनेस्टी इंटरनेशनल इज अ, अमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, यूनाइटेड नेशन एजेंसी टू फाइट ग्लोबल टेररिज्म, रेफ्यूजी कैंप इन क्रोशिया, विंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अब बताइएगा इसमें से चारों में से कि कौन सा सही आंसर है, जल्दी से बताइएगा, जो भी आपको सही लगता है आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, इनमें से बताइएगा। जो भी आपको सही लगता है बताइएगा जल्दी से आंसर। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 13 का, वो है ए यानी कि ह्यूमन राइट ग्रुप है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में हो चुका है। अमनेस्टी इंटरनेशनल एक जो है ह्यूमन राइट ग्रुप है, ए ऑप्शन इसका सही है।
अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन रिसर्च स्टेशन इन द आर्कटिक। आर्कटिक के अंदर जो है इंडिया का फर्स्ट रिसर्च स्टेशन है उसका नाम क्या रखा गया था। ऑप्शंस है हिमाद्री, मैत्री, भराती, दक्षिण गंगोत्री। आंसर कीजिए जल्दी से, बताइएगा कि इसके अंदर इंडियन रिसर्च स्टेशन है जो आर्कटिक के अंदर, उसका फर्स्ट जो इंडियन रिसर्च स्टेशन है उसका नाम क्या रखा गया था। जल्दी से आंसर कीजिए 14th का। ओके वेरी नाइस, इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ए, यानी कि हिमाद्री इसका फर्स्ट इंडियन रिसर्च स्टेशन का नाम रखा गया था। हमारा द परमानेंट हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क सेक्रेटरिएट इज लोकेटेड इन। परमानेंट हेडक्वार्टर सार्क का कहाँ है, मैंने आपको बताया है काठमांडू, ढाका, न्यू दिल्ली, इस्लामाबाद। जल्दी से आंसर कीजिए क्योंकि मैंने आपको सार्क के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है फ्रेंड्स। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। ओके फाइन, चलिए राइट आंसर देख लेते हैं इसका 15th का। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ए, यानी कि काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट लोकेटेड। डिफेंस मैनेजमेंट जो कॉलेज है वो कहाँ पर लोकेटेड है, देहरादून, वेलिंगटन, पुणे, हैदराबाद। आंसर कीजिए, डिफेंस मैनेजमेंट लोकेट कॉलेज है जो वो कहाँ पर लोकेटेड है, देहरादून, विलिंगटन, पुणे, हैदराबाद। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए सभी, जो भी आपको सही लगता है। चलिए इसका राइट आंसर है 16 का, वो है डी, यानी कि हैदराबाद के अंदर है। राइट, हैदराबाद के अंदर इसका जो है लोकेशन है कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सर्व्ड एज इंडियाज फर्स्ट एम्बेसडर टू द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के अंदर फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर कौन था। ऑप्शंस है वी के कृष्ण मेनन, विजय लक्ष्मी पंडित, के एम पानिकर, के आर नारायण। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। आंसर कीजिए, हु सर्व्ड एज इंडियाज फर्स्ट एम्बेसडर टू द सोवियत यूनियन। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, वी के कृष्ण मेनन, विजय लक्ष्मी पंडित, के एम पानिकर, के आर नारायण। जो भी आपको सही आंसर लगता है वो जल्दी से कमेंट कीजिए 17th का। राइट आंसर इज बी, यानी कि विजय लक्ष्मी पंडित जो है फर्स्ट एम्बेसडर थे सोवियत यूनियन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलित्जर प्राइज इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो पुलित्जर प्राइज है वो किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ओलंपिक गेम्स, जर्नलिज्म, सिविल एविएशन। आंसर कीजिए 18 से कमेंट कीजिए, आपके पास चार ऑप्शन है। पुलित्जर प्राइज है वो किस चीज से रिलेटेड है, वेरी गुड, सभी लोग कमेंट कीजिए। पुलित्जर प्राइज वो किस से रिलेटेड है, इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि जर्नलिज्म से ये रिलेटेड है। अगला प्रश्न है हमारा, उस्ताद बिस्मिल्ला खान वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ। जो उस्ताद बिस्मिल्ला खान है वो किसके एक्सपोनेंट थे, तबला, शहनाई, सरोद, फ्लूट। आंसर कीजिए जल्दी से, इसमें से आपको जो भी सही लगता है जल्दी कमेंट कीजिए। ए बी सी डी आपके पास चार ऑप्शन है। आंसर कीजिए, उस्ताद बिस्मिल्ला खान वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ तबला, शहनाई, सरोद, फ्लूट। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स 19th का, वो है हमारा बी, यानी कि शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित शिव कुमार शर्मा इज वेल नोन एज एन एक्सपोनेंट ऑफ। पंडित शिव कुमार शर्मा को सभी जानते हैं, वो बताएगा किस चीज से रिलेटेड है, संतूर, सितार, तबला, वॉयलिन। जल्दी से आंसर कीजिए 20th का। यस वेरी गुड, इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ए, यानी कि संतूर।
अगला प्रश्न है हमारा, लैरी पेज एंड सर्जरी ब्रेन आर वेल नोन एज क्रिएटर ऑफ ब्लूटूथ डिवाइस, फाउंडर ऑफ गूगल, स्टेम सेल रिसर्चर्स, साइंटिस्ट ऑफ ह्यूमन जेनोम। आंसर कीजिए कि लैरी पेज और सर्जरी ब्रेन किसके लिए जाने जाते हैं। याद रखिए, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैरी पेज और सर्जे ब्रिन, जल्दी से आंसर कीजिए। राइट आंसर, फाउंडर ऑफ गूगल। अगला प्रश्न है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक का कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है। ऑप्शंस है ध्रुपद, ख्याल, कृति, दादर। जल्दी से आंसर कीजिए, आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, जो भी आपको सही लगता है जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स बताइएगा कि हिंदुस्तानी म्यूजिक के इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। इसका सही उत्तर है वो है सी, यानी कि कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ डांस इज शोभना नारायण नोन फॉर। बताइएगा कि किस डांस फॉर्म के लिए शोभना नारायण जाने जाते हैं। कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली। आंसर कीजिए, वेरी गुड, सभी लोग आंसर कीजिए कि शोभना नारायण किस डांस फॉर्म के लिए जाने जाते हैं। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स 23rd का, वो है ए, यानी कि कथक। कथक के लिए वो जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें से बताना, मैच करना है, ये मैच द फॉलोइंग है। एक साइड आपको एक लिस्ट, दो लिस्ट दे रखी है, एक साइड आपको दे रखा है इंदिरा नोयल, रोमिला थापर, पद्मा तलवालकर, गुरिंदर चड्ढा, और दूसरी साइड वो दे रखा है कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है, हिस्टोरियन है, कॉरपोरेट मैनेजर है, फिल्म डायरेक्टर या फिर सिंगर। आप बताइएगा इसमें से कि आपको कौन सा सही लगता है। आंसर कीजिए जल्दी से, इसमें आपको दो लिस्ट दे रखी है, आपको कोर्ट्स दे रखे हैं, कौन सा किससे मैच होता है जल्दी से आंसर कीजिए। ए बी सी डी, आपके पास चार ऑप्शंस है, यस वेरी गुड। कैसी है, वो डायरेक्टर है, ठीक, बेनिगल रामा राव, वाई वी रेड्डी, डी सुब्बा राव, मनमोहन सिंह। आंसर कीजिए कि लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन थे आरबीआई के। वेरी नाइस, जल्दी से आंसर कीजिए, यस वेरी गुड। चलिए अब इसका राइट आंसर देख, 25th का वो है हमारा ए, यानी कि बेनिगल रामा राव, ठीक है, याद रखिए। और ये भी याद रखना है कि जो मनमोहन सिंह थे वो भी हमारे गवर्नर थे, और साथ में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा वो पर्सन बताइए कि जो आरबीआई का गवर्नर भी रह चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो एक इकलौते मनमोहन सिंह थे जो गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के और प्राइम मिनिस्टर भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हु अमंग दी फॉलोइंग वाज अ वेवर बाय प्रोफेशन। कबीर, रामदास, रविदास, तुकाराम। आंसर कीजिए जल्दी से, हु अमंग दी फॉलोइंग वाज अ वेवर बाय प्रोफेशन। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो देख लेते हैं, सही उत्तर है इसका वो है ए, यानी कि कबीर। अगला प्रश्न है, हु ऑफ द फॉलोइंग इनवाइटेड मूवी प्रोजेक्टर। मूवी प्रोजेक्टर के बारे में क्वेश्चन है कि मूवी प्रोजेक्टर किसने जो है इन्वेंशन की थी, मूवी प्रोजेक्टर की किसने इन्वेंशन की थी। आंसर कीजिए जल्दी से, ए बी सी डी, आपके पास चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है वो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बी ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी ऑप्शन है जे एल बेरेट, डी ऑप्शन है थॉमस एडिसन। जल्दी से आंसर कीजिए, मूवी प्रोजेक्टर है उसकी स्थापना, उसकी खोज किसने की थी, इन्वेंशन किसने किया था। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है सी, यानी कि जे एल बेर्ड। जे एल बेर्ड ने जो है मूवी प्रोजेक्टर की है। सबसे पहले इंडिया के अंदर कौन आया था, अर्लीस्ट विजिटर कौन है, जल्दी से आंसर कीजिए, यस वेरी गुड। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो देख लेते हैं, इसका जो सबसे अर्लीस्ट विजिटर है वो है हमारे 28th, वो है डी, यानी कि मैगेथनीज जो है वो सबसे पहले इंडिया के अंदर
फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर इंडिया, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। आंसर कीजिए 29 का कि लीला सेठ किसके लिए जानी जाती है। यस वेरी गुड, ए बी सी डी आपके पास चार ऑप्शन है, जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है बी, ठीक है याद रखिएगा 29 का, सॉरी सी, कि फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस है वो हाई कोर्ट इन इंडिया, ठीक है हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस है। आपको ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया कौन है, तो इसका आंसर है लीला सेठ, याद रखिएगा। इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ग्रैंड स्लैम बताना है वर्ल्ड का, ऑप्शंस है विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन। जल्दी से बताइएगा कि सबसे ग्रैंड जो है ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम वर्ल्ड का कौन सा है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। 30th का विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ए, यानी कि विंबलडन जो है वर्ल्ड का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। अगला प्रश्न है मेंशन दी ओल्ड मैन आउट, ओल्ड मैन आउट मेंशन करना है जो अलग है, बाकी तीन सेम होंगे। यस वेरी गुड, ए बी सी डी आपके पास चार ऑप्शंस है, इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है बी, ओलिवर खान, बाकी सभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नेम्ड एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। फ्लाइंग सिख इंडिया के नाम से, इंडिया के फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शंस है मोहिंदर सिंह, अजीत पाल सिंह, जोगिंदर सिंह, मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, मोहिंदर सिंह, अजीत पाल सिंह, जोगिंदर सिंह, मिल्खा सिंह। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं, वो है डी, यानी कि मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। टूर्नामेंट नहीं है, ऑप्शंस है आई लीग, ईरानी ट्रॉफी, बारडोलाई ट्रॉफी, डोरांट कप। आंसर कीजिए कि इसमें से बताएगा फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा नहीं है। आपके पास चार ऑप्शंस है, इसमें से बताइएगा जल्दी से। अच्छा फ्रेंड्स चलिए राइट आंसर देख लेते हैं, इसमें से बताइए, ईरानी ट्रॉफी जो है फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं है। अब बताइएगा ईरानी ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। इतना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेहान पोंचा इज अ वेल नोन स्पोर्ट्समैन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। रेहान पोंचा इज वेल नोन स्पोर्ट्समैन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। रेहान पोंचा एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन है, बताएगा वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, गोल्फ, स्विमिंग, बिलियर्ड्स, लॉन टेनिस। आंसर कीजिए गोल्फ, स्विमिंग, बिलियर्ड्स, लॉन टेनिस। बताएगा रेहान पोंचा किस गेम से रिलेटेड है, इसका आंसर है 34th का वो है बी, यानी कि स्विमिंग से रिलेटेड रेहान पोंचा है। अगला प्रश्न है हमारा, फॉर विच स्पोर्ट इज द वाल बार्कर कप अवार्डेड इन द ओलंपिक गेम्स। फॉर विच स्पोर्ट्स इज द वाल बार्कर कप अवार्डेड इन द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स में बताइएगा कि वाल बार्कर कप किसके लिए दिया जाता है, स्विमिंग, बॉक्सिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये जितने भी ट्रॉफी वगैरह है ये आपसे पूछ लिया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आंसर कीजिए जल्दी से। बताएगा कि जो वाल बार्कर कप है वो किस गेम से रिलेटेड है, ओलंपिक गेम से रिलेटेड है। इसका उत्तर है जो वो है बी, यानी कि बॉक्सिंग से रिलेटेड है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, द ओलंपिक एसोसिएशन इंडिया गेट्स इट्स ग्रांट फ्रॉम दी। ऑप्शंस है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, एशियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द नेशनल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रीज वेयर द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड।
बताएगा ओलंपिक इंडिया की जो ओलंपिक एसोसिएशन है वो कहाँ से ग्रांट्स लेती है। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट कीजिए ए बी सी डी। वेरी नाइस, सभी लोग कीजिए कमेंट। यस, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 36 का, वो देख लेते हैं। 36 का सही उत्तर है वो है सी, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वेरी नाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फेमस वुमेन एथलीट मारियन जोन्स इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। बताइएगा जो फेमस एथलीट है मारियन जोन्स वो किस कंट्री से बिलोंग करती है। कैनेडा, यूएसए, अर्जेंटीना, ब्राजील, चार ऑप्शंस है, जल्दी से आंसर कीजिए। जो फेमस वुमेन एथलीट है मारियन जोन्स वो किस कंट्री से बिलोंग करती है। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है बी, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न है, अनूप श्रीधर इज वेल नोन फॉर प्लेइंग। अनूप श्रीधर वो किस जो है स्पोर्ट से, किस गेम से रिलेटेड है, किस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं। ऑप्शंस है बैडमिंटन, चेस, फुटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस। आंसर कीजिए जल्दी से 38 का। आपके पास चार ऑप्शंस है ए बी सी डी, जो भी आपको सही लगता है आंसर कीजिए। यस वेरी नाइस, सभी लोग कमेंट कीजिए कि अनूप श्रीधर वो किस गेम के लिए जाने जाते हैं। उसका आंसर है फ्रेंड्स ए, यानी कि बैडमिंटन। बैडमिंटन के लिए जो है अनूप श्रीधर जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विच कंट्री होस्ट द अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट। मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, यूएई। इसका पुराना क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स मलेशिया। राइट, अजलान शाह कप हॉकी का जो है मलेशिया ने होस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज इज नोन एज द पयोली एक्सप्रेस। इसमें से बताएगा कि इन जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज है इनमें से बताएगा पयोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। जैसे कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी किसी और स्पोर्ट पर्सन को जाना जाता है, वो बताएगा कौन है। ऑप्शंस है शाइनी अब्राहिम, पीटी यूषा, ज्योतिर्मोय सिकदार, के एम बिनामोल। आंसर कीजिए जल्दी से 40th का। इसका सही उत्तर है वो है, यानी कि पीटी उषा को जो है पयोली एक्सप्रेस नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, द 2014 विंटर ओलंपिक्स विल बी होस्टेड बाय। जो 2014 के विंटर ओलंपिक थे वो किसके द्वारा होस्ट किए गए थे। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो मैं खुद बता देती हूँ, सोची के द्वारा इन्हें होस्ट किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजेनियसली बिल्ट लाइक कंबैट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजीनियसली, यानी कि अपने आप खुद से बनाया गया बिल्ट लाइट कंबैट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शंस है आकाश, विक्रांत, तेजस, अर्जुन। आकाश, विक्रांत, तेजस, अर्जुन, इसके चार ऑप्शंस है। वेरी गुड, जल्दी से आंसर कीजिए। ए बी सी डी आपके पास चार ऑप्शंस है, बताइएगा जल्दी से। 42nd का राइट आंसर है वो है सी, यानी कि तेजस। चलिए अब बताइएगा भुवन क्या है। भुवन के बारे में क्वेश्चन है, भुवन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ मिनी सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो फॉर प्रमोटिंग द डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। सेकंड है, द नेम गिवन टू द नेक्स्ट मून इम्पैक्ट प्रोब फॉर चंद्रयान 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जियो पोर्टल ऑफ इसरो विद 3D इमेजिंग कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, अ स्पेस टेलीस्कोप डेवलप्ड बाय इंडिया। वेरी गुड, जल्दी से सभी आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए अपना, जो भी आपको सही लगता है। वेरी गुड, चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं 43rd का। 43rd का जो सही उत्तर है
वो है सी, यानी कि एक जियो पोर्टल है इसरो का विथ 3D इमेजिंग कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन कैक्टस, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन बहुत ज़्यादा फेमस है ये वाला। चलिए बताइएगा कि ऑपरेशन कैक्टस है इसी नेम गिवन टू इंडियन मिलिट्री इंटरवेंशन इन, ऑपरेशन कैक्टस जो इंडिया के द्वारा, इंडियन मिलिट्री के द्वारा किया गया था वो किस कंट्री के साथ किया गया था, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा ऑपरेशन कैक्टस के बारे में। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। चलिए इसका मैं आंसर बता देती हूँ, 44th का वो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि मालदीव्स के साथ जो ऑपरेशन हुआ था, मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था, उसे ऑपरेशन कैक्टस का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन डिफेंस व्हाट इज ध्रुव, इंडियन डिफेंस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ध्रुव क्या है, एयरक्राफ्ट कैरिंग वॉरशिप है, मिसाइल कैरिंग सबमरीन है, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है, या फिर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। जल्दी से आंसर कीजिए 45th का, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग, जो भी आपको सही लगता है, ए बी सी डी आपके पास चार ऑप्शन है, जो भी सही लगता है आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर है वो है सी, यानी कि एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है जिसे ध्रुव कहा जाता है। या फ्रेंड्स आगे भी क्वेश्चंस की क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन इज यूज्ड इन, क्रायोजेनिक इंजन है वो किस में यूज किया जाता है, बोइंग एयरक्राफ्ट, हाई स्पीड रेल इंजन, स्पेस शटल, न्यूक्लियर टेस्टिंग। क्रायोजेनिक इंजन किसके लिए यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, आंसर कीजिए जल्दी से। यस राइट आंसर है वो है सी, यानी कि स्पेस शटल के लिए जो है क्रायोजेनिक इंजन यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, जी सेट 12 लॉन्च्ड बाय PSLV C-17 फ्रॉम श्री हरिकोटा इज अ डैश सैटेलाइट, बताइएगा कि जो एक बार हमारी जी सेट 12 लॉन्च की गई थी वो श्री हरिकोटा से की थी, और क्या थी, किस प्रकार की वो सैटेलाइट थी, नैनो थी, मेट्रोलॉजी, पीको थी, कम्युनिकेशन थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी इस प्रकार से आपसे जो है सैटेलाइट के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए 47 का देख लेते हैं, 47 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है डी, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी। प्रश्न है हमारा, व्हेन इज द इंटरनेशनल माइग्रेंट डे ऑब्जर्व्ड, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे कब मनाया जाता है, सभी लोग कमेंट कीजिए। यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2005 से 14 तक किस चीज के लिए किया गया था, इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है बी, सेकंड डिकेड ऑफ